जो लोगों के लिए आता है, पैगंबर जो लोगों के लिए आता है। लेकिन अगर कुरान के अंदर आप उतरेंगे, मेरे ख्याल में ये सूरह बकरा की 30 या 32 आयत के ऊपर आपको मिलेगा कि उस जमाने में तमाम लोग एक ही थे। फिर खुदावंद ताला ने आदम को बनाया, और जब आदम को बनाया तो उसके अंदर फूट पड़ गई। अब ये बात समझ नहीं आती है, क्योंकि नॉर्मली पैगंबर जब आते हैं वो उस जमाने में आते हैं कि जब पहले से खराबियां होती है उसको दूर करने के लिए आते हैं वो। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल लें कि ईसा के बाद जो सच्चा मजहब था उसके अंदर, या मूसा के बाद जो सच्चा मजहब था उसके अंदर बुत परस्ती शुरू हो गई, तो उन्होंने मोहम्मद को भेजा उसको दुरुस्त करने के लिए। यानी कि खराबी पहले आती है, पैगंबर बाद में आता है। लेकिन इस आयत के अंदर, इस तरीके के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तमाम एक थे, इसके बाद आदम को भेजा और उसकी वजह से उसके अंदर फूट पड़ी, यानी कि वो अलग अलग हो गए, दो ग्रुप अलग अलग हो गए। अब इस बात को पहले यहाँ समझते हैं। और ये आयत आदम से कबल लोग सूरह आराफ की 11 में भी है और सूरह बकरा की 213 में भी है। 213 सूरह बकरा की 213 और सूरह आराफ यानी सात नंबर की 7 की 11 और 2 की 213। अगर रेफरेंसेस लिख रहे हैं तो कुछ और भी रेफरेंसेस इसी के हवाले से जो आप बाद में पढ़ सकते हैं, 7 की 12 एंड 13, 15 की 27, 2 की 27, जी 27, 18 की 50 और 2 की सूरह बकरा की तो आप 29 से 34 तक पढ़ लें। अब इस बात को किस तरह से हम समझेंगे यहाँ पर कि आदम जब आता है तो वो एक फैमिली के अंदर, एक जगह के ऊपर, या सिंपल अल्फाजों में अगर समझ लें हमको, यानी कि एकदम बिल्कुल डाइल्यूट करके हम समझें इसको कि वो एक जमात के अंदर आता है, उसके लिए खुदा ने फरमाया कि ये एक ही जमात थी, ये सब लोग एक थे। वो बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा है, वो घर के लोगों की बात कर रहा है, एक जमात की बात कर रहा है, एक एरिया की बात कर रहा है, एक गांव की बात कर रहा है, कि यहाँ पर सब लोग एक जैसे थे। अब हम इसको कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे। आप आ जाएं मोहम्मद के ज़माने में, तो जब तक मोहम्मद ने अपना अनाउंसमेंट नहीं किया था पैगंबरी का, तब तक अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है सब अमन में था, सब लोग मज़हब पाल रहे थे, ईसाई भी थे और यहूदी भी थे, दोनों अपना अपना मज़हब पाल रहे थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन और ना सिर्फ मसला नहीं था बल्कि उन्होंने मोहम्मद को अमीन और सादिक जैसे अलकाब से भी नवाजा, और वो उनके साथ बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी करते थे। यानी ऐसा लग रहा है सब अमन में था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद ने अपने ही पैगंबरी का अनाउंसमेंट किया, क्या हुआ? झगड़े शुरू हुए, जंगें शुरू हो गई, और ऐसा लग रहा है कि सब धर्म भरम हो गया। और पहले पीस था, बाद में पीस नहीं था। तो ये तो ऐसी बात हुई कि खुदा का पैगंबर जब आता है तो झगड़े होते हैं, जबकि हमारे लिए कि खुदा का पैगंबर जब आता है तो हमारे लिए हिदायत आती है, रोशनी आती है, पीस आता है। लेकिन हिस्ट्री ऐसा नहीं बता रही हमको। तो पता चला कि जब जब कोई भी पैगंबर आता है, यानी कि आदम की स्टोरी ही हर पैगंबर की स्टोरी है, जो आदम की स्टोरी है वो सब पैगंबरों की है। तो जब भी कोई पैगंबर आता है
और चूंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, चूंकि उनको वो चीज़ जो से वो यूज्ड टू हो गए होते हैं, उसके अलावा जब कोई नई बात बताई जाती है तो उनको तकलीफ होती है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, और ये ना मानने की वजह से उसमें झगड़ा होता है, यानी कि दो ग्रुप बन जाते हैं, दो गिरोह बन जाते हैं। आदम के जमाने में दो गिरोह कौन सा बने, बाजार के नजर नहीं आ रहा है ना, बस आदम आया हो जन्नत में रहा, जन्नत उतरा हो, बात खत्म हो गई, ऐसा लग रहा है ना। किसी को उसने हिदायत नहीं की, किसी के ऊपर वो मैसेज नहीं लाया, बाजार हमको बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस कि वो एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है और बात खत्म हो गई थी, ऐसा नहीं था। इब्लीस जिसने उसको मानने से इनकार किया था, वो एक नहीं था, वो एक गिरोह था, वो एक जमात थी, वो एक क्वांटिटी ऑफ पीपल थे कि जिन्होंने उसको मानने से इनकार किया था, और दूसरी तरफ एक क्वांटिटी ऑफ पीपल थे जिन्होंने उसको मानने से इकरार किया। उनका नाम फरिश्ते पड़ गया और इनका नाम इब्लीस पड़ गया। हालांकि ऐसा लग रहा है कि फरिश्ते बहुत ज़्यादा थे और इब्लीस अकेला था, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात कि इब्लीस ने ज़बान हाल से मना किया था या ज़बान काल से मना किया था, यानी कि उसने अपनी इस ज़बान से मना किया या अपनी एक्शन से मना किया, किस तरह से किया होगा? मेरे ख्याल में उसने अपनी एक्शन से मना किया होगा। उसका क्या प्रूफ है कि एक्शन से मना किया होगा? तो आप देखें कि सब ने सजदा किया, इब्लीस सजदे करने वालों के अंदर शामिल नहीं था। जब हम कुरान को पढ़ते हैं ना, इस तरह से हमको पढ़ना है उसको कि इब्लीस सजदे करने वालों में शामिल नहीं था, यानी उसने अपने एक्शन से कहा कि मैं इसको सजदा नहीं करूंगा, वरना तो वो भी तो इमाम के साथ ही था। ऐसा नहीं था इब्लीस कोई बाहर से आया था, कहीं से कोई स्ट्रेंजर था। जब आदम को बनाया जा रहा था, अब याद रखें कि यहां पर कोई मिट्टी का पुतला नहीं बन रहा है, जब आदम को तालीमात दी जा रही थी तो खुदा एक सिर्फ आदम को बना रहा था या बहुत सारों को बना रहा था? अगर कानून एंड प्रिंसिपल ये मिल गया हमको कि अगर हम बोलते हैं इब्लीस उसके पीछे ग्रुप है, तो क्या आदम भी एक होगा कि बहुत सारे हो गए? यानी कि जिस मोमिन को या जिस जमात को उस जमाने के इमाम ने ये हुक्म फरमाया होगा कि मैं ज़मीन पे एक अपना वारिस बनाने वाला हूँ, अपना जानशीन खलीफा बनाने वाला हूँ, तो मेरे पास मट्टी ले आओ, तो वहाँ पर एक ही मोमिन को लाया गया होगा या एक से ज़्यादा को लाया गया होगा? हमारी लॉजिक क्या कहती है हमको? ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे हो गए, उसमें से एक सेलेक्ट हुआ होगा। अब ये कहाँ से आ गया? रिमेंबर कि जो भी चीज़ मैं कहूँगा उसका कुरानी रेफरेंस होगा, तो उसका रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा कि हमने आदम को और नूह को और आले इब्राहिम को और आले इमरान को तमाम में से सेलेक्ट कर लिया, तमाम में से सेलेक्ट कर लिया, मीनिंग एक से ज़्यादा लोग। अगर स्टोरी की तरह इसको समझना है, तो जब इमाम ने फरमाया होगा कि मुझे खलीफा बनाना है, तो मट्टी ले आओ, तो मोमिन को ले आओ, तो बहुत सारे उन्हें एप्लीकेशन डाली होगी या बहुत सारे को लाया गया होगा, और उसके अंदर इब्लीस भी शामिल था। इब्लीस भी उस कैंडिडेसी के अंदर शामिल था, और द रीज़न
उसने 40 दिन तक कुछ भी नहीं बोला। देखे पहले दिन जब इमाम ने फरमाया और सब लोग आ गए अंदर, और अगर इब्लीस को सजदा नहीं करना था, ऑब्जेक्शन उठाना था, तो उसको मना कर देना था कि नहीं, तुम इसमें से किसको भी चुनते हो या इस आदम को चुनते हो तुम, तो ये तो इंसान है, मैं इसका सजदा नहीं करूँगा, मैं तो आग से बना हुआ हूँ और मेरे को इस क्लास में आना ही नहीं है, और रिज़ाइन करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो उधर ही बैठा रहा, उधर ही बैठा रहा। क्यों बैठा रहा वो उधर? क्यों? कि उसके दिल में था कि चूंकि मैं सबसे ज़्यादा सूट टाई वाला हूँ, पैसे वाला हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मैं आला दर्जात पर हूँ, उसने अपने आप पर गुरूर कर रहा था वो। और क्या ये सब आए तो हैं, नाम तो मेरा ही आने वाला है, नाम तो मेरा ही आने वाला है, वो यूं समझता था। और जब उसका नाम नहीं आया तो उस बात पर उसने ऑब्जेक्शन उठाया, उस बात पर उसने ऑब्जेक्शन उठाया। और क्या हुआ कि उसका नाम नहीं आया, उसको भी हमको देखना होगा। रिमेंबर कि मैं कोई 7,000 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं फ्रेश, कि भाई क्या हुआ कि उसका नाम नहीं आया, और आदम ने ऐसा क्या किया कि उसका नाम आ गया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जानब से फिदा हो, फरमाते हैं कि आदम एक खेरूत था, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती शख्स था, और उसने अपने इस्मे आजम को इस तरह से जांपा जिस तरह से जांपने का हक था। और वो नीचे के दर्जे से, यानी कि मुस्तजीब के दर्जे से सबसे आला दर्जे पर पहुंच गया, मुस्तजीब के दर्जे से सबसे आला दर्जे पर पहुंच गया वो, यानी कि 1 से 10 पर छलांग लगाई उसने, और उसने रूहानियत का हासिल कर लिया, और वो इबलीस से भी ऊपर निकल गया। लेकिन चूंकि वो आजिज बंदा था, तो सबके दरमियान में इस तरह से बैठता था कि जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है, और यही चीज इबलीस ने देखी उसके अंदर कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो इसको क्यों बना रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं बना रहे, जबकि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास इल्म भी है, मेरे पास शोहरत भी है, मेरे पास इन्फ्लुएंस भी है, तो मैं ज्यादा इस सीट का हकदार हूं। और उसको जब नहीं मिली तो उसने ऑब्जेक्शन उठाया इस बात पर। जब खुदा ताला ने कहा कि तुम सब के सब इसको सजदा करना, तो क्या मतलब था, कौन सा सजदे की बात हो रही है इधर, क्या ये वाला सजदा था सर का, तुम सब के सब इसकी इताअत करना, क्या मतलब उसकी इताअत करना, तुम देखोगे उसने क्या किया और किस तरह से उसने अपने दर्जात को बढ़ाया है, तुम भी इस तरह से अपने दर्जात को बढ़ाना, यानी कि इताअत प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली इताअत करना उसकी, कि जिस तरह से आदम ने शॉर्ट टाइम में, यानी कि इसमें आदम के मिलने और पूरा होने में सिर्फ 40 दिन का अरसा गुजरा, 40 दिन के अंदर उसने अपने इस्मे आदम को पूरा कर लिया, जिस तरह से, जिस ईमानदारी से आदम ने अपने इस्मे आदम को पूरा किया है, तुम भी इसकी इताअत करना, यानी कि तुम भी देखना कि ये किस तरह से किया और तुम भी अपने इस्मे आदम को पूरा करना। तो जिन्होंने कहा कि लबैक, हम उसको देखेंगे, उससे सीखेंगे, वो फरिश्ते कहलाए। और ये चीज़ हर हमेशा होती चले आती है, हमेशा होती चले आती है, और इमाम हमेशा एग्जांपल देते हैं। ज़रूरी नहीं उसका नाम आदम पड़ जाए, और ना ही ज़रूरी कि उसको पीर का कोई टाइटल मिल जाए, लेकिन इमाम हमेशा ज़माने हाल से ये करते रहते हैं, करते रहते हैं, हर हमेशा हर ज़माने में चलता रहता है। अच्छा, अब आए इसके अंदर, यहाँ तक कुछ आपको ऐड करना है? अब और आ गया है कि जब
आदम को खुदावंद ताला ने खलीफा मुकर्रर कर लिया, यानी कि कहा कि आज से जो है वो तुम्हारी दावत का आगाज, यानी कि पैगंबरी का आगाज, उसको पहला पैगंबर बनाया गया कि आज से जो है पैगंबरी का आगाज। तो खुदा ने इसके लिए कुरान के अंदर जो अल्फाज यूज़ किए हैं कि मैंने 6 दिनों में दीन को बनाया, ये 11:7 है सूरह हूद की आयत नंबर 7, कि मैंने 6 दिनों में दुनिया को बनाया और 7वें दिन में खुद आऊँगा और अर्श के ऊपर पानी के ऊपर बैठूँगा ताकि मैं तमाम का इल्म और अमल में फैसला कर डालूँ। तो ये पहला दिन था वो जिसको आज हम संडे बोलते हैं, संडे का दिन, वो आदम का दिन हुआ पहला दिन, और इस्लाम का आगाज़ हुआ, मज़हब का आगाज़ हुआ, और वहाँ से वो पहला पैगंबर ने आगे चलाया उसको। फिर मंडे आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, फिर ट्यूसडे आया, हज़रत इब्राहिम आए, फिर वेनसडे आया, मूसा आए, फिर थर्सडे आया, ईसा है, फिर फ्राइडे आया, यानी कि जुमतुल मुबारक, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और एक दिन आखिरी बच गया यानी कि सैटरडे। तो सैटरडे किसका दिन हो गया? अब आखिरी दिन कहा था आखिरी दिन मैं खुद आऊँगा, अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी दिन में मैं खुद आऊँगा, मैं अपने अर्श पर बैठूँगा और मैं इसलिए आऊँगा ताकि मैं तुम्हारे इल्म और अमल में फैसला कर डालूँ, तुमको आजमा लो उसके अंदर कि जो 6 दिनों में तुमने सीखा उस पर तुम पूरे हो कि नहीं हो, तुम्हें अपना मतलब समझ में आया कि नहीं आया। और वो क्यामत का दिन होता है जिस दिन वो फरमाया था कि मैं मालिक यौमिद्दीन हूँ, मैं क्यामत के दिन का मालिक हूँ। क्यों? कि वो क्यामत के दिन का मालिक 7वें दिन आता है और मालिक होने की वजह से वो उस दिन का फैसला करता है तमाम का। आ जाए वापस आदम के अंदर, आदम को जब फरमाया गया कि अब तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, यहां पर जन्नत का क्या मतलब है और बीवी का क्या मतलब है? बीवी से मुराद कि जो भी तुम्हारे शागिर्द हो गए, तो यहां पर भी बीवी अकेली नहीं है, बीवियां हैं, यानी कि तुम्हारे शागिर्द हो गए, तुम्हारे फॉलोवर्स हो गए, जो भी तुम्हारी इताअत करेगा ना वो ऐसा है जैसा वो जन्नत में है। आज हम क्या कहते हैं, अगर हम इस्माइली है तो कहाँ हैं? हम इमाम की जन्नत में। यही बात उधर हो रही थी, आपने देखा पुरानी बात नहीं हो रही, आज की बात हो रही है कि जिसने भी इमाम को फॉलो किया वो जन्नत में है, और हम सब जो है वो इमाम की बीवियों की तरह है, क्योंकि वो एक नर होता है, हम सब नारियां होती हैं, हम सब के सब इमाम के शागिर्द की तरह बीवियों की तरह है। फिर उसमें से एक जो होता है या होती है वो सबकत लेता है, सबकत लेती है, और वो इमाम की बीवी बन जाती है, हवा बन जाती है। क्या मतलब? वो पीर बन जाता है, वो सबकत लेता है सबके ऊपर, पूरी जमात के अंदर से, और वो पीर बनता है, वो आगे निकलता है, वो अपना दर्जा बनाता है। कहीं पर उसका नाम हवा होता है, कहीं पर उसका नाम पीर होता है, कहीं पर उसका नाम हुज्जत होता है, कहीं पर उसका नाम आरिफ होता है, कहीं पर उसका नाम आरिफ कामिल होता है, कहीं पर नाम उसका दाई भी हो सकता है, लेकिन वो सब के सब जो है वो सबकत लेने वालों में से होते हैं जो आगे निकलते हैं और हकीकी मायनों में
हवा बन जाते हैं। हम सब पोटेंशियली हवा है, हम सब इमाम की बीवियां हैं, लेकिन इम्कानी पोटेंशियली है। अभी तक हम इमाम की बीवियां बने नहीं हैं, तो पीर हमको बहुत अच्छी तरह से सितारे के ज्ञान में सिखाते हैं कि या मौला मैं हेल भर के आई हूँ, तो मेरी हेल उतार ले। तो आपने देखा कि वहाँ एक लड़की नहीं होती है, तमाम लड़कियाँ होती है जो हेल भर के लाती है, और जिसकी हेल इमाम उतार ले वो उसकी बीवी बन जाती है। तो सब दरख्वास्त करते हैं, हम सब इसके अंदर शामिल हैं कि या मौला हमको तो अपनी हवा बना ले। ये दरख्वास्त के अंदर हम सब शामिल हैं। और ज्ञान में क्या बोलते हैं कि मेरे को पता है कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सब बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन तू फिर भी मुझे चुनना। आजीज नहीं देखी पीरों की? फिर क्या बोलते हैं कि मेरे को पता है कि जमात में सब इबादत गुजार हैं, सब खूबसूरत हैं, लेकिन तू मुझे चुनना, मेरे में बहुत कमी है, मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ, मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, मेरी चाल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी तू मुझे चुनना, मेरी हेल को उतारना। तो वो आजीजी करती है, तब जाके मौला उसको चुन लेता है। आदम के किस्से में जिस तरह से था कि उसने अपने आप को मट्टी जब बनाया तो खुदावंद ताला ने उसको चुना, आजीजी यहाँ पर। अच्छा, अब वो जन्नत में रहते हैं, कौन? खाली आदम और इसकी एक बीवी नहीं, आदम और जितने भी वो फरिश्ते थे जिन्होंने उसको सजदा किया था, उसकी साथ की थी, उस तमाम के तमाम जन्नत में रहते हैं। और उस जन्नत के अंदर क्या मतलब है, इमाम की प्रोटेक्शन में रहते हैं, वो इमाम की कुर्बत में रहते हैं, इमाम के करीब होते हैं, उसको जन्नत कहा गया। अब याद रखें कि वो इबलीस या वो लोग जिन्होंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया था वो कहाँ चले गए थे? वो भी तो उधर ही हो गए ना, कहीं कहीं चले गए हो गए। हालांकि भाई जमाने हाल से खुदा ने क्या फरमाया, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, लेकिन वो जमात करने से बाहर नहीं चले जाते हैं लोग, वो जमात के अंदर ही रहते हैं। उनके ऊपर अब मौला की वो रहमत नजर नहीं होती है। और क्यों नहीं होती भाई? इमाम तो हर एक को प्यार करता है, क्योंकि जब आप मौला को या मौला की बात के इताअत नहीं करते हो, मौला के फरमान को नहीं मानते हो, तो बाय डिफॉल्ट आप मौला की नजरों से दूर हो जाते हैं, मौला की रहमत से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई जमात से बाहर निकाल देगा। तो वो सवाल जो बहुत मुश्किल था कि इबलीस जन्नत में कैसे घुस गया, तो वो कहीं गया ही नहीं था, वो तो उधर ही था। और कुरान के अंदर उसका रेफरेंस भी मिलेगा कि या खुदावंद ताला तुम मुझे इजाजत दो कि मैं सिरातल मुस्तकीम पर बैठ कर ही, यानी कि जमातन में बैठ कर ही जो सिरातल मुस्तकीम में चले गए उसको मैं वर्क लाऊंगा, उसको वर्क लाऊंगा। और खुदा बोलता है हाँ ठीक है बैठ जा। ये कॉन्वर्सेशन भी कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन नहीं थी कि उसने बोला और खुदा ने हाँ बोला, ये जमाने हाल से बात हो रही थी, जमाने काल से बात नहीं हो रही थी। तो मौला उसको निकाले, और मौला क्या फरमाते हैं कि जो मेरे हकीकी मोमिन है ना, वो तेरी बात में कभी भी नहीं आएंगे, वो तेरी बात में कभी भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैं खबर हम रोकते हैं आदम के किस्से को, और हमने सिर्फ एक उसको, अगर इसे हम 18, 20, 22 क्लासेस कर लेंगे ना, तो आदम का किस्सा ख़त्म नहीं होगा। क्यों ख़त्म नहीं होगा? क्योंकि आदम का किस्सा कंटिन्यू है, हर जमाने में चलता रहता है, और हर क्लास के अंदर हम कुछ सीखेंगे कि हाउ डू यू अप्लाई दैट हमारे जमाने में।
और हमारे जमाने को भी छोड़े, हमारी जमात पर, हमारी जमात को भी छोड़े, हम पर कैसे अप्लाई करेंगे ताकि हम उसमें से कुछ सीख सकें। जी, याली मदद।